सभी का स्वागत है। एशिया कप में ये टीम होगी सबसे खतरनाक, भारत को संभल कर रहने की जरूरत। 27 अगस्त से यूएई की धरती पर एशिया कप 2022 शुरू होने जा रहा है। एशिया कप 2022 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। इस साल T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के कारण एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 27 अगस्त से यूएई की धरती पर एशिया कप 2022 शुरू होने जा रहा है। एशिया कप 2022 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। इस साल T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के कारण एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप 2022 में भारत के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि एक दूसरी ही टीम सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जी हाँ, एशिया कप में टीम इंडिया को एक टीम से खास तौर पर संभल कर रहने की जरूरत है। ये टीम और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश है, जो अपना दिन होने पर बड़ी से बड़ी दिग्गज टीमों को धूल चटाने का मद्दा रखती है। बांग्लादेश ने लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में ना जाने कितनी बड़ी टीमों का सपना तोड़ा है। बांग्लादेश ने ही भारत को 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्विवेदी जैसे दिग्गज मायूस हो गए थे। बांग्लादेश ने ही इंग्लैंड को साल 2015 के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश ने लगभग इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, लेकिन धोनी के ऐतिहासिक रनआउट ने भारत को बचा लिया। भारत ने उस मैच को एक रन से अपनी जीत कर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखी थी। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली है। भारत और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम हिस्सा लेंगी। वहीं एक टीम क्वालिफायर के जरिए एशिया कप 2022 खेलेगी। इस टूर्नामेंट के मैच दुबई और शारजहा में खेले जाएंगे, जिसकी मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के पास है।